पिछले एक हफ्ते से केरला में हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिस वजह से केरला के मैक्सिमम डैम्स खोल दिए गए और उस वजह से केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट फ्लड अफेक्टेड है। मोर देन 350 प्लस पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड देयर आर स्टिल पीपल हु आर स्टक इन देयर हाउस इन द थ्रेस वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिलीफ। पिछले 3 से 4 दिन से लोगों ने कुछ खाया नहीं है, ना पीने के लिए ढंग का पानी है, ना ही उनके पास मेडिसिन है, ना सैनिटरी नैपकिन है और ना ही कुछ। दे लॉस्ट देयर हाउसेस एंड दे आर लिटरली सफरिंग। देयर आर लॉट ऑफ लैंडस्लाइड, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस कोलैप्स्ड। ना एयरपोर्ट चालू है, ना बस स्टॉप चालू है, ना रेलवे चालू है, सब ब्लॉक्ड है ड्यू टू हैवी वाटर लॉगिंग। ऐसा सिचुएशन केरला में कभी किसी ने सोचा नहीं था। The army, navy, air force are literally trying their maximum to save people, but the situation is that har jagah se Kerala blocked hai. Two people are helping them, but wahan tak pahunchne ke liye pani itna zyada ho ke block kar rakha hai ki people can't reach to them. So it's really the worst situation Kerala is facing. Ye time hai jahan hame unite ho ke hum कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, जहां अपने भाई और बहन जो अभी फंसे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक हेल्प हो जाए। एटलीस्ट हमारे एक चाय पीने का, एक समोसे खाने का, जो हमारा एक शाम का जो स्नैक टाइम में जो पैसे बचते हैं एटलीस्ट वो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक टाइम के लिए उनका एक खाना हो जाएगा। जो लोग 3 से 4 दिन से ना पानी पिए ना कुछ खाएँ उनके लिए बहुत ही बड़ा चीज़ हो जाता है ये। सो केरला चीफ मिनिस्टर ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ आप डायरेक्टली केरला चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, kerala rescue.in, जहां आप डायरेक्टली लॉग इन कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। उसके अलावा पेटीएम, फ़ोनपे, तेज, भीम ऐसे ऐप से भी आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेट बी 10 रुपीज़, लेट बी 100 रुपीज़ और 1000, इट डजंट मैटर, बट एक छोटा सा हेल्प उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उनके लिए। आप अगर पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, यू कैन वॉलंटियर एंड हेल्प देम। फूड, सैनिटरी नैपकिन्स, मेडिसिन्स, कुछ ना कुछ आप आपकी तरफ से आपके ग्रुप में आपके टीम में कंट्रीब्यूट करके आप पास ऑन कर सकते हो। मोर देन दैट, इफ आपसे ये भी पॉसिबल ना हो तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर जो केरला से जो भी न्यूज़ आ रहा है उसको शेयर करिए, सो दैट इट गेट रीच टू ऑल द पीपल जो रिलीफ में या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है उन तक ये मैसेज पहुंचाइए जो अफेक्टेड है। सो आपकी तरफ से अगर एक छोटा सा भी हेल्प आपने किया उससे एक जान बच सकती है तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एज ए यूट्यूबर आई नो 80% ऑफ माई ऑडियंस आर फ्रॉम आउट ऑफ केरला एंड आप लोग सेफ हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो और आप मेरा आवाज़ सुन सकते हो। वहाँ केरला में ऐसा सिचुएशन है, ना रेंज है, ना पीपल के मोबाइल चार्जर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली बंद है पिछले 3 से 4 दिन तक। सो देयर मोबाइल फोन्स आर लिटरली नॉट कनेक्टेड, सो पीपल आर ट्राइंग वेज टू चार्ज देयर फोन्स। सो मेक श्योर यू कंट्रीब्यूट समथिंग for the people who are in need. मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को फेम मिले या इसमें व्यू मिले या यूट्यूब से मुझे पैसे मिले। ये वीडियो कम्प्लीटली नॉन मोनिटाइज्ड है। ये वीडियो में ना ही मैं अपना नाम ले रहा हूँ, ना ही मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम ले रहा हूँ। दिस इज जस्ट टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड। अगर ये वीडियो से अगर एक बंदे ने भी एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया, दैट इज़ अ सक्सेस ऑफ दिस वीडियो। सो इफ पॉसिबल डू समथिंग फॉर केरला। केरला इज literally is in danger. Pray for Kerala and help them.